गुड मॉर्निंग क्लास फोर बेटा, नाउ ओपन योर पनोरमा बुक पेज नंबर 34। द लेसन इज द हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना। ट्रेजर मीन्स खजाना, हिडन मीन्स छिपा हुआ। देखिए क्या स्टोरी है बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें बताया गया है आपको कि हमेशा जीवन में परिश्रम करना चाहिए। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई में परिश्रम करिए। पैसा कमाने का समय है तो उसमें भी परिश्रम करिए। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। आप चाहें कि आप मेहनत न करें, क्लास में फर्स्ट आ जाएं, पॉसिबल नहीं है ना बेटा, मेहनत करनी होती है उसके लिए। तो परिश्रम से ही सफलता मिलती है, इसी बात को बताया गया है इस लेसन में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये ओल्ड मैन है, बूढ़े व्यक्ति। इनके ये फोर सन्स यानी चार बेटे हैं। चारों बेटे इनके बहुत आलसी, लेजी, काम नहीं करना चाहते। सारे दिन बस खेलते थे ये लोग, सोते थे और खाते थे। खेलना, खाना और सोना, यही इनका काम था जबकि बड़े हो चुके थे। अभी जो ओल्ड मैन है, द ओल्ड मैन फेल सिक वन डे, एक दिन ये बीमार पड़े और कोई मेडिसिन, कोई दवा इनको क्योर नहीं कर पा रही थी, यानी इनको सही नहीं कर पा रही थी, इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। He was counting his last days in bed. ये अपने अंतिम दिन गिन रहे थे, कहने का मतलब इनको भी पता चल गया कि अब मैं बहुत दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। जब ये बेड पर लेटे हुए थे, while lying in bed, बेड पर लेटे हुए थे, he worried a lot about his son's future. अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि ये लोग देखिए बिल्कुल बड़े हो गए थे, काम करने लायक हो गए थे लोग। आप देख रहे हैं पिक्चर इन लोगों के, लेकिन ये लोग काम करना चाहते ही नहीं थे। ये सोचते थे कि हम लोग की तकदीर बहुत अच्छी है, हम लोग को तो ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इधर जो ये ओल्ड मैन है, इनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब खैर इन्होंने सोए सोए कुछ डिसाइड किया, बुलाया अपने बेटों को और सोचा कि कैसे इनको मैं समझाऊं, क्योंकि तो समझने वाले हैं नहीं, कैसे समझाऊं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है वर्क का, काम की, काम करने की, परिश्रम करने का महत्व क्या होता है, काम करने का महत्व क्या होता है, कैसे बताऊं। तो उन सबों को बुला करके इन्होंने ये कहा कि देखो बच्चों, एक खजाने वाला बक्सा जो है मेरे पास, जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ है वो बक्सा, और बहुत कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात भी हैं उसमें, और मैं चाहता हूं कि वो खजाना तुम लोग में बराबर बराबर बांट दूं, ताकि तुम लोग का जीवन सुख से बीत जाए। बड़े खुश हुए चारों, आलसी तो थे ही, बैठे बैठे पैसा मिलने की बात आ गई, अब क्या चाहिए। पूछे कि अच्छा पिताजी, कहां पे रखे हैं वो खजाना, आप बताइए। तो बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि देखो, मुझे बिल्कुल ठीक ठीक तो पता नहीं, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर द प्लेस, मुझे ठीक ठीक पता नहीं है वेयर आई हिड द ट्रेजर, कि मैंने वो खजाना कहां छुपाया है, लेकिन खेत में कहीं पर मैंने उस बक्से को गाड़ा है, और खेत की खुदाई करके तुम लोग को वो बक्सा ढूंढना होगा। इवन दो द लेजी यंग सन्स वर हैप्पी, हालांकि खुश थे ये सब कि चलो भाई खजाना है, लेकिन ये दुखी भी थे, सैड भी थे। क्यों? क्योंकि इन लोग के पिताजी को ये भूल गया था कि उन्होंने कहां गाड़ा है, जमीन के किस हिस्से में गाड़ा है। खैर कुछ दिनों बाद इस
बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लड़कों ने सोचा कि चला जाए भाई अब खजाना ढूंढा जाए। तो अपना लोग देख रहे हो ना, ये फावड़ा कुदाल सब लेके खुदाई लोग करने लगे, खेती बक्सा कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब ये लोग खेत की खुदाई करते जा रहे हैं और जल्दी ही पूरा खेत ये लोग खोद डाले। तो एक पासर भाई उधर से होके एक व्यक्ति गुजर रहा था तो उसने देखा कि तो खेत खोदा जा रहा है और पानी की भी व्यवस्था है, बड़ी उपजाऊ जमीन है। तो उसने इन लड़कों से कहा कि देखो तुम लोग खेत तो खोद ही दिए हो, ऐसा करो इसमें सब्जी फूल इस सब के तुम लोग बीज डाल दो, बीज ठीक है ना, सीड यानी बीज डाल दो। बीज समझते हो ना, जैसे चना खाते हो ना, चना बीज है। चना बो दो मिट्टी में, देखो उसमें से चने का पौधा निकल आएगा। तो वही इसने कहा कि बीज डाल दो, पानी है ही यहाँ पे, पानी की भी व्यवस्था है। तो लड़कों ने भी सोचा कि हाँ चलो जब खेत खुदा ही है तो डाल देते हैं। तो उन सबों ने भी बीज डाल दिया, फल का सब्जी का फूल का सब बीज डाल दिया, खेत भी हरा भरा हो गया, सुंदर बगीचे की तरह दिखने लगा, सब्जियां भी हो गई तैयार। तो कोई कितनी सब्जी खाएगा, तो अब उसको बेचना था। ये चारों बेटे गए और वो सब्जी उब्जी मार्केट में सब बेची, बेचने लगे। रोज थोड़ी जितनी सब्जी निकलती थी जाते थे मार्केट में बेचते थे, अच्छा पैसा मिलने लगा इन लोगों को। फिर ये लोग और सब्जी उगाने लगे और ये लोग एक सफल किसान बन गए और बहुत अमीर भी हो गए। भाई जो सब्जी निकलती थी बेचते थे मार्केट में, पैसा मिलता था, फिर सब्जी बोते थे, यही क्रम चलता रहता था। अब उन सबों को ये समझ में आया कि ओहो पिताजी ने यही कहा था, कोई बक्सा बक्सा खेत में नहीं गड़ा है, यही कठिन परिश्रम जो है यही खजाना है। और निश्चित रूप से पिताजी ने हम लोगों को इसीलिए झूठ बोला हम लोगों से कि ट्रेजर बॉक्स के लिए हम लोग खेत की खुदाई करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हम लोग को इसका फल मिलेगा। और फिर बच्चों को ये समझ में आ गया कि यदि हम लोग को अच्छा जीवन बिताना है तो इसके लिए परिश्रम करना जरूरी है। फिर से उन लोगों ने अपना आलस्यपन छोड़ दिया, कठिन परिश्रम करने लगे, पैसा कमाने लगे और खूब सुख से रहने लगे। मोरल क्या है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी जब भी आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। इसलिए चाहे पढ़ाई का समय हो, चाहे पैसा कमाने का समय हो, या इवेंट में ये भी कहूंगी किसी के यहाँ कोई फंक्शन भी पड़ता है तो बस जाकर के केवल ये मत सोचो कि भोजन करो, नहीं, वहां जाके जिनके आप फंक्शन है उनसे पूछो अंकल आंटी मेरे लायक क्या काम है मुझे बताइए। तो वर्क करो, इससे तुम काम करना सीखोगे, बहुत सी चीजों का तुम्हें ज्ञान होगा और जीवन में सफल होगे। ठीक है, तो जीवन में सफल होने का बेटा एक ही मंत्र है कि खूब परिश्रम से करिए कोई भी कार्य। ओके बेटा, क्वेश्चन आंसर जा चुका है, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, यही आपका होमवर्क है, कॉपी कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू।